करीना कपूर खान और सैफ अली खान तैमूर अली खान के सिबलिंग और अपने बेबी नंबर टू को मार्च में करेंगे वेलकम। जहां खान्स और कपूर्स इस गुड न्यूज से काफी खुश हैं, वहीं करीना कपूर खान के डैडी और एक्टर रणधीर कपूर ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है दैट करीना इज ड्यू फॉर सम टाइम अराउंड मार्च नेक्स्ट ईयर। इतना ही नहीं, मुंबई मिरर को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो हमेशा से करीना को कहते थे दैट तैमूर नीड्स अ ब्रदर और सिस्टर टू प्ले विद। इंटरेस्टिंगली, करीना के डैड ही नहीं बल्कि खुद करीना भी हमेशा से चाहती थी टू हैव अनदर बेबी, और इस बात को कंफर्म किया है करीना के मेकअप आर्टिस्ट पॉम्पी हांस ने। ही सेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, शी ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सेकंड बेबी, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर हर बिकॉज शी कांट डू मच वर्क, ऑल्सो तैमूर इज एट एन आइडियल एज, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। आपको बता दें कि सैफ अली खान ने हाल ही में बताया था कि उनकी फैमिली एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है, विच इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू देयर करंट रेजिडेंस, और इस घर का रेनोवेशन वर्क है इन प्रोग्रेस। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सैफीना ने अपनी फैमिली में आने वाले इस नए मेंबर को वेलकम करने की तैयारियाँ शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, जब सैफ और करीना ने अपनी फैमिली में नए एडिशन की अनाउंसमेंट की है, करीना और सैफ को कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आ रहे हैं। वैसे करीना ने जिस तरह अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान खुद को मीडिया और फैंस के सामने हैंडल किया था, उन्होंने बॉलीवुड की हर मॉम टू बी के लिए ट्रेंड सेट किया था, क्योंकि वो इस दौरान न सिर्फ शूट्स और इवेंट्स अटेंड करने में बिजी रहीं, शी वाज आल्सो स्पॉटेड पार्टिंग विद हर गर्ल गैंग, और उनके मैटरनिटी ड्रेसेस भी रहे टॉक ऑफ द टाउन। व्हेनेवर आई गो दीस डेज, देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन आस्क्ड, व्हिच इज आई थिंक क्वाइट इंट्रूसिव, बट स्टिल आई एम आस्क्ड, बोथ मी एंड सेल्फ, इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल, हैव यू फाउंड आउट? एंड आई एम लाइक, एक्सक्यूज मी, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, आई एम अ गर्ल चाइल्ड, I would love to have a girl. What is the difference? I think I've done probably more for my parents and for my family than a son would. Moreover, अपनी प्रेगनेंसी के बाद जिस तरह करीना ने कमबैक किया, वो भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं था। यहाँ तक कि करीना तैमूर के साथ वक्त बिताने के लिए अक्सर उन्हें अपने साथ फिल्म के सेट पर भी ले जाती थी। एंड द लिटिल बंडल ऑफ जॉय वाज एवरीवन्स फेवरेट ऑन सेट। वर्क फ्रंट पर करीना कपूर खान, आमिर खान, स्टारर लाल सिंह चड्ढा के मोस्ट ऑफ द पार्ट को शूट कर चुकी हैं, जबकि उनकी एक और मेगा बजट पीरियड ड्रामा तख्त रिपोर्टेडली पैंडेमिक की वजह से इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। वेल, अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान को रिप्लेस करेंगे या उनके लिए वेट करेंगे, ओनली टाइम विल टेल।